तो देखो इस वाले इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम लोग के पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी दिया हुआ है देन द वर्क डन इन स्लोली लिफ्टिंग ए बॉडी अब मास एम स्लोली मतलब क्या होता है भाई स्लोली मतलब होता है कि स्लो स्लो काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो है काइनेटिक एनर्जी इज जीरो स्लोली का मतलब होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ तो हमें कितना वर्ग डन करना डन अब देखो यार ये जो ये है अर्थ का सरफेस यहाँ पर मैं हाइट जीरो ले लेता हूँ ये और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो जी है वो नाइन पॉइंट एट है अब इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर ले गया और ये जो हाइट है ये दिस हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है समझ में आया तो अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वर्क डन क्या होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इन सब का याद रखना बट बाय एक्सटर्नल एजेंट तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा भाई तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन तुम देखोगे तो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ये ये इनिशियल सिचुएशन था और यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पर है ठीक है ना पहले कहाँ था भाई पहले यहाँ था इनिशियल था तो ये इनिशियल था तो पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी ये डिस्टेंस कितना है आर और ये डिस्टेंस कितना है एच ठीक है तो अगर देखोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी और आर प्लस एच और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मास ऑफ द बॉडी मास ऑफ अर्थ और रेडियस आर और हम लोग लकी हैं कि वर्क डन यहाँ माइनस जी एम और एम दैट इज आर प्लस आर दैट इज टू टू आर क्योंकि आर और आर एच के इक्वल हैं यहाँ पे तो माइनस जी एम एम अपन आर तो टू से जब मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से माइनस 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 यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये माइनस यहाँ आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप जी एम ओवर टू आ जाएगा टू आर ठीक है ना वो यहाँ से जी एम ओवर हाँ यहाँ से आ जाएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि आप ऑर्गर निकाल रहे हो ना तो यह आ जाएगा प्लस जी एम ओवर ये तो जी एम की वैल्यू जो होती है वो हाँ हमें हाँ, इस्मॉलॉल जी की वैल्यू पता है कि जी एम ओवर आर स्क्वायर होती तो जी एम की वैल्यू आ जाएगी जी आर स्क्वायर तो ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर और इस्माल एम दैट इज़ टू आर तो फाइनली ये कट कुट गया और एम जी आर बाई टू इज द फाइनल सोल्यूशन दिस इज द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट तो जो एक्सटर्नल एजेंट इसको ले कर जाएगा ऊपर वो इतना वर्क करेगा बट इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो बाई यूजिंग uh, एक अच्छा खासा ग्रेविटेशन में बार बार यूज होने वाला ट्रिक है आप इसको याद रखो सेकेंड मेथड वी कैन सॉल्व इन सिंगल लाइन बाई दिस क्वेश्चन एंड द बेस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एम जी एच इज इक्वल टू वन प्लस एच अपान आर होता है तो अगर ये वाला फार्मूला याद है आपको तो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अगर अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे ले जाते हैं तो कितना वर्क डन होगा तो यहाँ एच की वैल्यू आर के बराबर है तो जो वर्क डन आ जाएगा जो आ जाएगा एम जी आर और यहाँ से वन प्लस आर आर ठीक है तो यह जाएगा टू मतलब एम जी आर बाई टू इज द फाइनल सोल्यूशन ठीक है दिस इज द शॉर्टकट यू मस्ट रिमेंबर इट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मोटिवेटेड रहो खुश रहो